फाइनली विंटर इज कमिंग से हम लोग विंटर इज ऑलमोस्ट हियर तक पहुंच चुके हैं. द टेम्परेचर्स हैव बिगन टू फॉल. मौसम बहुत प्लेजेंट होने लग गया है, स्पेशली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में. बट ऐसी गुलाबी ठंड के बाद भी कुछ स्किन केयर कंसर्न्स हैं जो आकर के सारा मजा किरकिरा कर देते हैं. जैसे हमारी जो स्किन है वो ड्राई आउट होने लगती है, हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है. आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या असर होता है विंटर्स का आपकी स्किन में. एट द सेम टाइम व्हाट इज द परफेक्ट स्किन केयर रूटीन फॉर विंटर्स. ऑल्सो वील टॉक अबाउट सम डूज एंड डोंट्स ताकि आपकी स्किन रह सके हेल्दी इस सीजन. विंटर्स में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है वैसे ही हवा में मॉइस्चर लॉस भी होने लगता है, तो एटमॉस्फेयर ढूंढने लगता है कोई भी मॉइस्चर का सोर्स ताकि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके. आप जैसे ही ठंडी हवा में बाहर स्टेप आउट करते हैं तो वो आपकी स्किन को भी नहीं छोड़ता, स्किन के सरफेस में मौजूद मॉइस्चर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है. बस विंटर्स का आपके स्किन पर इतना ही असर होता है. बाकी जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें हैं वो होती हैं उन चीजों से जिनसे आप विंटर को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धूप में बैठना, गर्म पानी इस्तेमाल करना और अपने कमरे में हीटर या ब्लोअर का यूज करना. इसे एक एक करके देखते हैं. सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते हैं, हाथ धोते हैं, इवन कुछ लोग तो गर्म पानी से अपना फेस भी वॉश कर रहे होते हैं. अब गर्म पानी जैसे आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है वो उसके पोर्स को एक्सपैंड कर देता है, जिसकी वजह से स्किन को एक सिग्नल जाता है कि अंदर मौजूद ऑयल पार्टिकल्स और मॉइस्चर को बाहर निकालना है. और जैसे ही आप हॉट शावर लेकर बाहर आते हैं आपकी स्किन पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुकी है. इसके अलावा आपका जो स्कैल्प है वो भी डिहाइड्रेट होने लगता है और आपको प्रॉब्लम हो जाती है ड्राई स्किन डैंड्रफ की, जो बिल्कुल नॉर्मल डैंड्रफ जैसा ही दिखता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. इसे एड्रेस करने के लिए यू शुड टेक शॉर्टर शावर्स. बहुत देर तक शावर में मत बिताइए और गुनगुने पानी का यूज कीजिए. जस्ट किल द स्टिंग ऑफ द कोल्ड वाटर. याद रखिए, पानी जितना गर्म होगा और जितना ज्यादा टाइम आप उसके कॉन्टैक्ट में होंगे उतना ज्यादा मॉइस्चर लॉस आपकी स्किन को झेलना पड़ेगा. इसके अलावा बालों के लिए कोशिश कीजिए पानी का टेम्परेचर और भी कम गर्म हो. अगर आपको ऑलरेडी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो ये ड्राई स्किन डैंड्रफ के फ्लेक्स आपकी कंडीशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं. लास्टली, रेगुलरली अपने बालों में ऑयल मसाज करें एंड यूज अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू. दूसरा फैक्टर है रूम हीटिंग. अभी हमने देखा कि विंटर्स में हवा ठंडी होने की वजह से ये आपके स्किन की नमी को खुद में अब्सॉर्ब कर लेती है. बट इंटरेस्टिंगली जब आप अपने रूम को वार्म करने के लिए हीटर्स या ब्लोअर्स का यूज करते हैं तो गर्म हवा होते हुए भी आपका कमरा एक्यूटली डिहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि देयर इज नो न्यू सोर्स ऑफ मॉइस्चर. इसकी वजह से वंस अगेन कमरे की हवा अपने डिहाइड्रेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए आपके स्किन से मॉइस्चर को लेने लगती है. रूम हीटिंग के ड्राइंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप एक ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली हवा में मॉइस्चर को रिप्लेनिश करता रहेगा, या सिंपली एक चौड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं. ये मेथड ट्रेडिशनली यूज की जाती थी जब लोग घर के अंदर फायरप्लेस या अंगीठी जैसी चीजें जलाते थे. तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है एक्सपोजर टू सन. हम लोग जाड़ों में काफी समय बिताते हैं धूप में, धूप सेकने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन जब आसपास की हवा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारा स्किन से मॉइस्चर लॉस शुरू हो गया होता है. इसके बाद जब सन की यूवी रेज अपनी स्किन में एंटर होती हैं तो वो उसे टैन और इरिटेट करने लगता है. वी आर नॉट सेइंग कि आप धूप मत सेकिए, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन लोशन जिसका SPF कम से कम 15 हो. इसके अलावा इफ यू हैव द लग्जरी टू चूज, तो मॉर्निंग की जो धूप होती है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है. इस केस में आपका जो सनस्क्रीन है SPF 15 वाला वो भी पर्याप्त होता है. लेकिन अगर आप दोपहर में या दिन के टाइम पर धूप सेकने वाले हैं तो SPF 15 शायद आपके लिए काफी ना हो, आपको हायर SPF में जाना पड़ेगा, 30 या इवन 50. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर प्रैक्टिसेस जो विंटर्स के लिए रेकमेंड की जाती है. स्टार्टिंग विद अ फेस वॉश. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो माइल्ड हो. इसका मतलब उसका जो pH वैल्यू है वो लो होनी चाहिए. अगर हाई pH वैल्यू होगी तो इसका मतलब उसमें ज्यादा सोप का कंटेंट है. अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके क्लेंजर या फेस वॉश में pH वैल्यू कम है कि ज्यादा? आप सिंपली उसको यूज करके देखिए. अगर उसमें झाग या फोम ज्यादा बन रहा है तो उसमें pH वैल्यू ज्यादा है, अगर उसमें कम बन रहा है तो pH वैल्यू आपके लिए एकदम ठीक है. इस पैरामीटर से चारकोल फेस वॉश हर सीजन के लिए परफेक्ट होता है बिकॉज इट डजंट ड्राई आउट योर स्किन एंड इट हैज अ लोअर pH वैल्यू एज वेल. सेकेंड है फेस स्क्रब. विंटर टाइम में भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन योर स्किन इज ऑलरेडी लूजिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. इसके लिए आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए. नॉर्मली रिकमेंडेड होता है 2 से 3 बार, लेकिन विंटर टाइम में ओनली 1 टाइम. इससे आपकी स्किन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड फाइनली योर स्किन विल स्टार्ट लुकिंग मोर रेडियंट एंड हेल्दी.
लेकिन अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको ये भी बहुत कॉशन से करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर होगा तो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए वो वैसे भी अच्छा नहीं। अब आता है मॉइस्चराइजर। एक अच्छा फेस वॉश आपकी जो मॉइस्चर लॉस है उसको लिमिट तो कर देता है, लेकिन यू स्टिल नीड अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम सिर्फ हाइड्रेट करना नहीं है स्किन को, बल्कि वो आपके मॉइस्चर बैरियर को भी स्ट्रेंथन करता है। इसका मतलब लेटर इन द डे जब आप कहीं पर जा रहे हैं, ठंडी हवा में एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो आपका जो मॉइस्चर लॉस है वो मिनिमाइज होता रहेगा इफ यू यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर अलग अलग किस्म के होते हैं, कुछ जेल बेस्ड होते हैं, कुछ लोशन बेस्ड होते हैं, लेकिन विंटर टाइम के लिए सबसे अच्छा रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर होता है जो क्रीम बेस्ड होता है। स्पेशली विंटर्स में आपको कम से कम दो बार मॉइस्चराइज करना चाहिए अपनी स्किन को, एक मॉर्निंग में और दूसरा सोने से पहले। अब मॉइस्चराइजर की बात की है तो एक लिप बाम की भी बात कर लें। विंटर टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है होंठ फटना, तो आप हमेशा अपने साथ एक अच्छा सा लिप बाम यूज कीजिए। असल में आपकी लिप्स की स्किन बहुत पतली होती है, इसलिए काफी आसानी से चैप हो जाते हैं, और एक बार इनमें चैपिंग शुरू हो गई तो वापस पूरी तरह से हील होने में इन्हें काफी टाइम लग जाता है। रात को सोते टाइम चेहरे और लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर रात भर वो मॉइस्चराइजर की लेयर आपकी स्किन पर एक मास्क की तरह अप्लाइड रहती है, एंड यू कैन डू मैक्सिमम हीलिंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग। फिर बारी आती है सनस्क्रीन लोशन की। वैसे हम एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि पता नहीं क्या है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि जैसी सनस्क्रीन लोशन की बात आती है हम लोग सोचने लगते हैं समर्स के बारे में, बीचेस के बारे में। ये शायद हॉलीवुड मूवीज की वजह से इंस्पायर हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी इंसान गर्मियों में धूप में नहीं बैठता है, लेकिन सर्दियों में ऑन दी अदर हैंड सब लोग धूप सेकते हैं। इसलिए इट इज ओनली लॉजिकल टू यूज सनस्क्रीन लोशन ड्यूरिंग द विंटर टाइम। इसलिए आपको खुद को प्रिपेयर रखना होगा विद अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन लोशन विद SPF 15 एंड अबव, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर तक धूप में टाइम स्पेंड करने वाले। बॉम्बे शेविंग कंपनी सनस्क्रीन लोशन कम्स विद SPF 50, प्रिटी इंप्रेसिव। अब बॉडी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको मॉइस्चर लॉस को रिड्यूस करना है, इसलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप अपने बॉडी में भी यूज करेंगे, ऐसे बॉडी लोशन यूज करेंगे जिनकी इंग्रेडिएंट्स नेचुरली मॉइस्चराइजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल शिया बटर, एलोवेरा, मिल्क एंड हनी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। हेयर के लिए आप एक अच्छा मास्क यूज कर सकते हैं जिससे मॉइस्चर वापस स्कैल्प में एस्टैब्लिश हो जाए और बाल भी ज्यादा हेल्दी लगने लगे। इसके अलावा रेगुलर ऑयल मसाज करने के ट्रेडिशनल फायदे तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑयल लगाने के कुछ देर बाद कागजी नींबू लगा सकते हैं स्कैल्प पर, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, बट देखिएगा उससे बाल और ज्यादा ड्राई ना हो जाएं। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो उसे फ्यूचर में भी प्रिवेंट करने के लिए शावर के एंड में एक मग में ठंडा पानी और लेमन की कुछ ड्रॉप्स मिलाकर रख सकते हैं, उसे सिर में नहाने के बाद स्प्लैश कर लें। योर स्कैल्प विल स्टे क्लीन एंड हाइड्रेटेड। इसके अलावा सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक भी काफी कम हो जाता है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ड्रिंक इनफ वाटर ड्यूरिंग द डे। अगर आपका भी कोई स्किन केयर रूटीन है जिसको आप यूज कर रहे हैं स्पेशली विंटर्स में, तो प्लीज डू टेल अस अबाउट देम इन द कमेंट्स बिलो। ये वीडियो पसंद आया तो इसमें लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, एंड फॉलो द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लाइक दैट, एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉम्बे शेविंग कंपनी।